नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के व्रत का काफी महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस साल ये व्रत 24 अक्टूबर 2021 को रखा जाएगा, जो शाम 6:55 से 8:51 तक शुभ मुहूर्त है। 5 साल बाद फिर से इस करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त निकला है और इस बार व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा। इसके अलावा इस साल करवा चौथ वाले दिन एक और खास बात यह है कि ये रविवार को है, इस वजह से सूर्यदेव की कृपा भी महिलाओं पर रहेगी। करवा चौथ के व्रत को कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि ये व्रत काफ़ी विधि विधान से पूरा किया जाता है। इसके अलावा व्रत के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ लाल रंग या पीले रंग के कपड़े ही पहने। इन दोनों रंगों को शुभ माना जाता है। जिनकी नई शादी हुई है वे अपने शादी के जोड़े को इस दिन जरूर पहने। महिलाएं सुबह उठकर अपने घर में पति व बड़ों के पैर अवश्य छुएं। ऐसा करने से उनके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ की कथा जरूर करें। महिलाएं घरों में इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा करें और गीत गाएं। करवा पर सास की ओर से उनकी बहुओं को सरगी जरूर देनी चाहिए। सरगी के में सास और अपनी बहू को नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाई आदि दें। बहुएं सरगी में दी गई मिठाइयों से ही अपना व्रत खोलती हैं। महिलाएं अपने पति की नज़रें उतारें। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शाम को जब व्रत खोलें तो चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति के नाम का दीपक जलाएं। महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पिएं और खाने का पहला निवाले पति को खिलाने के बाद उनके हाथ से अन्न ग्रहण करें। व्रत वाले दिन ये ना करें क्योंकि महिलाएं इस दिन सफ़ेद काले रंग के कपड़े ना पहने। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद ना लें। वहीं अगर घर का कोई सदस्य सो रहा है तो उठाने की कोशिश ना करें। ऐसा कहा गया है कि करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए को उठाना अशुभ होता है। महिलाएं करवा चौथ के दिन कथा के बाद शुभ बातें करें। किसी की चुगली, निंदा या किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें। करवा चौथ व्रत के दिन घर में कैंची का इस्तेमाल ना करें। घर में कैंची का प्रयोग करने से अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। घर में महिलाएं किसी बड़े बुजुर्ग जैसे माँ, सास, ससुर आदि का अपमान ना करें। अगर ऐसा करती हैं तो आपका व्रत रखना व्यर्थ हो सकता है। करवा चौथ पर पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने पर आपको फल नहीं मिलेगा और पाप के भागीदारी हो जाएंगी। पति की सभी आज्ञा को मानने का प्रयास करें। करवा चौथ के दिन ऐसा करना आपके लिए अति आवश्यक होता है। अपने श्रृंगार का सामान महिलाएं ना किसी को दान में दें और ना ही किसी से दान में लें।